वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं ज़्यादा खास तो कुछ बनाने नहीं जा रही, बस आपको एक आइडिया देने जा रही हूँ कि कई बार हमारी टॉवलें कई बार क्या अक्सर मतलब फट जाती हैं और वो फेंकने लायक हो जाती हैं, तो हम उनका क्या करें रीयूज। तो जैसे मेरे पास एक टॉवल फट गई, ये देखो ये फट गई थी, तो मैंने पीस जो बिना फटा वो निकाल लिया है। अगर आपके पास भी इसी तरह की फटी हुई हैं तो आप रीयूज कर सकते हो उनको। तो ये मैं फटा हुआ हिस्सा निकाल के बाहर कर दिया है और ये इस तरह का पीस मैंने एक निकाल लिया है। तो देखो ये मेरे पास एक डोरमैट पड़ी थी प्लास्टिक की, ये घिस गई थी बिल्कुल। अगर आप पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई आटे वाला बोरा या चावल वाला बोरा या जो भी आप मतलब वो ले सकते हो, या कोई मोटी बेडशीट ले सकते हो। तो इसको इसके नाप की मैं काटूंगी इसको, देखो ये मैंने इसी की नाप की काटी है, ये देखो। अब अगर आपके पास टॉवल थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसको डबल फोल्ड कर सकते हो। अब मेरे पास इतनी थी तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये कर रही हूँ कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने ये देखो ये पिल्लो कवर था मेरा, ये निकाल लिया, इसी के नाप का कर लूँगी, इसको काट लूँगी, इसके नाप का काट के इसको, ये देखो इससे मैंने हल्का हल्का सा इससे, ये जो प्लास्टिक की शीट है इससे मैंने 1 इंच बड़ा लिया है, क्योंकि मैंने इसको सिलाई में भी डालना है, इसलिए इसको एक इंच बड़ा लिया है दोनों तीनों साइड से, ये देखो। अब इसको इसके ऊपर रख के और ये एक्स्ट्रा मैं निकाल दूंगी यहाँ से। तो ये क्या करना है आपने, अगर आपको मशीन नहीं आती चलानी तो कोई बात नहीं, आप हाथ से सुई में धागा डाल के इसको ये तीनों तरफ से सिलाई ऐसे कर सकते हो। यहाँ इस तीनों तरफ सिलाई करनी है आपने, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के। अब मैं इसको मशीन से सिल के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए सिलाई लगा ली हमने इस तरह से और इसको सीधा कर लिया है, और बस इसको हम इसमें अंदर पैक कर देंगे इसको। अगर आपने बेडशीट वाला बनाना है तो साथ ही आप सिल सकते हो इसी के साथ ही, उसके ऊपर रख के, तब हमें पैक करने की आवश्यकता नहीं है। इससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और बस अब आपने क्या करना है, एक सिलाई यहाँ पे मारनी है, आप इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा सकते हैं एक एक इस तरह से, और यहाँ इसको बंद कर दोगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं इसको काट लूँगी, प्लास्टिक है आराम से कट जाएगी। बस अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे और इसके चारों तरफ एक एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि एडजस्ट हो जाए अच्छे से, और बस फिर बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए कितना प्यारा मैट बना है हमारा, कितना सुंदर कुशन वाला। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी टॉवल भी रीयूज हो गई, और 5 मिनट का क्राफ्ट था सिर्फ। कोई भी बच्चा कोई भी सीखने वाले से आसानी से बना सकता है, ज़रूरी नहीं आपको मशीन चलानी नहीं आती, तो आप सुई से भी इसे सिल सकते हो बहुत इजीली, और एक सुंदर सी चीज़ बन के तैयार होगी। बजाय इसको हम फेंकते तो हमारे काम आ गया। अगर आपको मेरे बनाए वीडियो पसंद आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।